क्या हमें इसके लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता है? क्या हमें इन लोगों को कलीसिया से बाहर निकालने की जरूरत है? दोस्तों, इस समय मैं आपको बताने जा रहा हूं, कलीसिया के अंदर कुछ लोग अभी तक व्यभिचार कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर कुछ लोग अभी तक अपने जीवन को नहीं बदलकर शारीरिक दशा को जी रहे हैं। व्यभिचार, झूठ, एक दूसरों की निंदा करना, बुराई करना, हमेशा नफरत करना, लालच, इन सब बातों से भरे हुए हैं। दोस्तों, बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं, पाप तो पाप है, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, लेकिन यहां पर बात करते, चाहे वो बड़े से बड़ा पाप हो, चाहे वो छोटे से छोटा पाप क्यों ना हो, क्या कलीसिया के अंदर वो लोग जो पाप करते रहते हैं, बुराई करते जा रहे हैं, क्या आज उन्हें हम दंड दें? क्यों परमेश्वर उन लोगों को स्वयं दंड नहीं दे रहा? दोस्तों, मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि आज तक कलीसिया में वो गलत रीति पर चलने वाले लोग क्यों अभी तक बने हुए हैं, क्या हमें उनके लिए कोई कदम उठाना चाहिए जिसके कारण से वो व्यभिचारी लोग, गंदे काम करने वाले कलीसिया से बाहर हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं बल्कि बाइबल से ये सारी बातें बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करें। जय मसीह की। दोस्तों, इस समय मैं आपके सामने खास विषय लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कलीसिया के अंदर अभी तक लोग पाप करने के बाद भी, व्यभिचार करने के बाद भी, आज तक वो प्रार्थना में तो आते हैं, कलीसिया में आते हैं, संगति करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, उनके साथ हम क्या करें? हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हो कि लोगों के जीवन को देखकर कलीसिया के अंदर आ रहे हैं, एक अच्छा जीवन दिखा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में व्यभिचार का जीवन जी रहे हैं, दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं और कई प्रकार के पाप कर रहे हैं। हम इस बात को देखकर ये सोचते हैं कि परमेश्वर आखिर इन्हें दंड क्यों नहीं दे रहा, क्यों ये लोग कलीसिया के अंदर लगातार आ पा रहे हैं, क्यों इसका दंड इन्हें नहीं मिल पा रहा है। जब हम उनको देखते हैं तो इतना सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक से हैं। बहुत सारे वचन नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 24 से आगे कुछ वचन पढ़ने जा रहा हूं। इन वचनों को आप ध्यान से सुने, आप समझ जाओगे कि कलीसिया के अंदर ऐसे लोग अभी तक क्यों बने हुए हैं, क्या उनके लिए हमें कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं। यहां पर मैं स्पष्टता से इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि कलीसिया के अंदर जब ऐसी बात होती तो पास्टर कुछ न कुछ कदम उठाने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में पास्टर को भी निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है, या फिर कलीसिया के जो अगुवे हैं वो भी ऐसी स्थिति में निर्णय नहीं ले पाते हैं, और कहीं लोग तो कुछ लोगों को निकाल भी देते हैं या कलीसिया से बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से नहीं जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम दोस्तों शुरू करें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 24 से आगे हम देखने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक आप इस वचन को देखें। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 24 वचन, यहां पर क्या कहता है, ध्यान से देखें। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यहां पर यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, और यहां पर क्या दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अच्छा बीज बोया। सबसे पहले मैं इस मनुष्य की बात करता हूं कि ये मनुष्य कौन है। ये जो अच्छा बीज बोने वाला है कोई पास्टर, कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि यहां पर यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा है कि अच्छा बीज बोने वाला। अच्छा बीज किसने बोया? आपने हमने तो नहीं बोया, लेकिन यीशु मसीह ने बोया। और अच्छा बीज कौन बोता है? यीशु मसीह। उसी के साथ साथ अब अगर हम आगे वचन देखें, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। तो वचन कहता कि जब लोग सो रहे थे के बीच क्या हुआ कि शत्रु आकर जंगली बीज को भी बोकर चला गया। यह कौन सा समय था जंगली बीज बोने का? यह था जब लोग सो रहे थे। अक्सर जो कलीसिया ज्यादा प्रार्थना नहीं करती, जो कलीसिया लगातार प्रभु में बने नहीं रहते, जो कलीसिया जागते नहीं रहते हैं, उस कलीसिया में शैतान निरंतर बीज को बोता रहता है, और बहुत ज्यादा लोग गिनती में बढ़ते जाते हैं जो शैतान के बीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो शत्रु के बीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं, बुराई, पाप, झूठ, इन सब चीजों से बढ़ते जाते हैं। जितनी कलीसिया प्रार्थना में मजबूत होती है, जितनी कलीसिया जागती रहती है, जागते रहते हैं, उतना ही वहां पर कम चांस रहता है कि शैतान बोए, क्योंकि शैतान को अवसर नहीं मिल पाता है। यहां पर दो व्यक्ति है, पहला मनुष्य जो यीशु मसीह है, दूसरा शत्रु जो शैतान है। अब हम आगे जब देखते हैं तो यहां पर देखें,
जब अंकुर निकले और बारे लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। ये जो गेहूं और जंगली बीज बोया गया, जब ये बढ़ने लगे, उस समय तक जब तक अंकुर नहीं निकला, ये बढ़ने लगे। और जब अंकुर निकला और बाले लगी, तब समझ में आया कि ये जंगली बीज है। ये दो बीज कौन है, दो प्रकार के बीज यहां पर कौन है? आपको इस बात को याद रखना है कि कलीसिया के अंदर दो प्रकार के बीज बोए गए हैं, पहला गेहूं का, दूसरा जंगली। और यहां पर यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि जो मनुष्य है वो अच्छा बीज बोता है, वो यीशु मसीह ने अच्छे बीज को बोया। दूसरा, शत्रु ने भी उस बुरे बीज को बोया जो जंगली है। यहां पर कलीसिया के अंदर एक काम नहीं कर रहा बल्कि दो काम कर रहे हैं। एक का जो काम है वो है अच्छी फसल लाना, दूसरे का जो काम है वो है बेकार फसल लाना। और बाइबल कहती है कभी भी हम जाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ेंगे, जाड़ियों से हमेशा ऊंट कटारे और कांटे ही निकलते हैं, फिर अंजीर के वृक्ष से अंजीर ही निकलता है और पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है। तो यहां पर दो है जो बो रहे हैं कलीसिया के अंदर। यहां पर यीशु मसीह ने ये जो बीज है ये परमेश्वर के वचन के विषय में नहीं कहा है। शत्रु ने जो बोया ये उसके वचन भी नहीं है। ये जो दो है वो है जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, दूसरा वो जो शैतान ने उत्पन्न किया है, यानी कि जो शैतान के द्वारा बोया गया है। बीज यहां पर कलीसिया है, बीज यहां पर दो प्रकार के हैं, पहला अच्छा और दूसरा जंगली। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? यहां पर कुछ दास लोग, यानी कि उस गृहस्थ के मालिक से जिसने बीज बोया था उसके पास आए, जो उनके दास थे, और वो कहने लगे कि आपने अच्छा बीज बोया, जब अंकुर लगा और जब पता चला कि यहां पर तो जंगली गेहूं के समान जो झाड़ी है, सेम जो गेहूं से मिलती है, वो निकल पड़ा। जब दासों को पता चला तो स्वामी के पास जाकर कहते कि तो आपने तो अच्छा बोया था, लेकिन ये झाड़ियां कहां से आई, ये जंगली बीज कहां से आया? ये दास लोग हैरान हो गए। उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कि ये जो दास है ये कौन है? दोस्तों, ये जो दास है ये कलीसिया के वो अगुए हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं। यहां पर जो कलीसिया में जो दास है, परमेश्वर के दास है, वो इस समय कह रहे हैं, क्या हम जाकर उसको निकालकर फेंक दें? क्या हम उसकी छंटाई करें? ये कौन लोग है? ये वो है जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हम प्रभु की सेवा कर रहे, जब हम कलीसिया में देखते हैं, व्यभिचार करते हुए लोगों को देखते हैं, गंदे काम करते हुए, झूठ बोलते हुए, झगड़ा करते हुए, इन सब बातों को जब हम देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं इसको कलीसिया से बाहर कर दूं, ये व्यभिचार करता है, ये झूठ बोलता है, इसको फेंक दूं, ये चोरी करता है, ये गलत काम करता है, ये गंदे काम करता है, इसको कलीसिया से बाहर निकाला जाए। और हम कोशिश भी करते हैं कि उनको कलीसिया से बाहर निकाल दें, लेकिन कलीसिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार कर रहे हैं लेकिन अभी तक प्रार्थना में है, ऐसे लोग हैं जो अभी तक झूठ बोल रहे हैं लेकिन कलीसिया में है। लेकिन यहां पर जो दास लोग वहां पर गए थे और कहा, क्या हम छंटाई करें? यहां पर स्वामी क्या कहता है, ध्यान दें। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। यहां पर कहता है कि ऐसा ना हो कि जब तुम उस जंगली को निकालने के लिए जाओ और उसके साथ साथ उस गेहूं को भी निकाल दो। यहां पर कहता है कि यहां पर कोई छंटाई अभी ना करें। क्यों? क्योंकि जो अंकुर निकले और भाले लगी है अभी तक कोई फसल नहीं दिख रही है, लेकिन समझ में आ रहा है कि ये जंगली है और समझ में आ रहा है कि ये गेहूं है। समस्या ये नहीं कि वो पहचान नहीं पा रहे कि वो जंगली है या फिर गेहूं है, वो पहचान पा रहे थे, लेकिन समस्या ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जंगली उखाड़ते उखाड़ते उस गेहूं को भी नुकसान कर दे, जो कि प्रभु के द्वारा बोए गए हैं, जो कि लगातार प्रार्थना करते हैं, जो कि उनके जीवनों से फल दिखते हैं, जो कि एक अच्छा स्वभाव उनके जीवन में दिखता है, एक यीशु मसीह का जैसा स्वभाव उनके जीवन में दिखता है, और अपनी जिंदगी में सदैव प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी ठेस पहुंचे। इसीलिए स्वामी ने कहा, नहीं, वेट करो, इंतजार करो। कब तक? जब तक कटनी ना आए। जब कटनी आएगी, जंगली पौधे को निकालते समय भी किसी दूसरे पौधे को हम निकाल देते हैं, कोई हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पक चुका है, वो कटनी के लिए तैयार हो चुका है। आज इस वचन को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे, कलीसिया के अंदर आज लगातार व्यभिचार लोग करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कलीसिया में है, प्रभु दंड नहीं दे रहा है,
कलीसिया के अंदर अभी तक लगातार कलीसिया में लोग हैं, लेकिन वो बुरे कामों से मन नहीं फिरा रहे, उनके जीवन के उनके शारीरिक काम प्रगट है। जैसे कि हम वचन में देखते हैं, शारीरिक काम तो प्रगट है, शरीर के काम तो प्रगट है, चोरी, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, झूठ, नशा करना, मस्तियां मारना, अपनी जिंदगी को जीना, कलीसिया के अंदर आकर प्रार्थना भी करना, तो हम उनके ऊपर आज न्याय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्याय करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। पर दास लोग न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पूछ रहे क्या हम न्याय करें, लेकिन प्रभु कहता है नहीं, ये काम मेरा है और जब कटनी का समय आएगा तो मैं स्वयं कह दूंगा और मैं जंगली गेहूं को तो इकट्ठा करूंगा जलाने के लिए, लेकिन जो गेहूं है उसको मेरे खत्ते में इकट्ठा करने के लिए कहूंगा। यह किसको कहेगा? स्वर्गदूतों को। यीशु मसीह ने जब लोगों के स्वभाव को, लोगों के जीवन को देखा तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता शैतान है, तुम शैतान से हो, अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो मेरी बात सुनते, अगर तुम परमेश्वर से उत्पन्न हुए होते तो मुझसे भी प्रेम रखते, अगर तुम परमेश्वर से उत्पन्न हुए होते तो मुझे पहचानते। इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, इसीलिए तुम झूठे हो, क्योंकि तुम्हारा पिता झूठा है। यहां पर जब हम इस वचन को देखते हैं तो आज हम कलीसिया में इन सब चीजों को देखकर यह ना कहें कि मैं उनका न्याय करूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें ना डांटे। परमेश्वर ने हमें डांटने का अधिकार दिया है, उन्हें ताड़ना दे सकते हैं कि बुराइयों पर हम उन्हें डांट सकते हैं और उन्हें निरंतर अपने जीवन को बदलने के लिए कह सकते हैं, लेकिन हम न्याय नहीं कर सकते, हम कलीसिया से उनको बाहर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए दंड नहीं दे सकते कि उसने व्यभिचार किया इस पर पथराव करें, इसने बुरा काम किया इसको हम मार दें, इसको ये किया हम वो कर दें। नहीं, मैं आज उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूं जो कलीसिया के अंदर रहकर लगातार पाप करते जा रहे हैं, इन सब बुरे कामों को करते जा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर देख ही नहीं रहे हैं, बस हम तो ऐश कर रहे हैं, प्रार्थना ही कर रहे हैं और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हम बुरा काम भी कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो वो झूठ में है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा नहीं बोए गए हैं, वो शैतान के द्वारा बोए गए हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है वेट करो, वेट करो, वेट करो, कब तक? जब तक कटनी का समय ना आए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं न्याय करने का अधिकार हमारा नहीं, न्याय करने का अधिकार केवल यीशु मसीह को है, लेकिन हमारा काम है कि हम लोगों को समय पर डांटे, ताड़ना दे और उन्हें उन बुराई से फिरने के लिए हमेशा डांट कर कहें, जैसा कि योन्ना ने कहा हे सांप के बच्चों, जैसा कि पौलुस डांटता है कि तुम शारीरिक दशा में जी रहे हो, अपने जीवन को बदलो, जैसा कि प्रभु के दासों ने, प्रेरितों ने उन लोगों को डांटा जो शारीरिक दशा में जीते थे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कलीसिया के अंदर ऐसे काम करने वाले भी अभी तक क्यों बने हुए हैं, लेकिन उन लोगों को संदेश है जो अभी तक कलीसिया में आकर भी ये सब काम कर रहे हैं, उनको मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आज आप जीवित हो तो आज अपने मनों को कठोर ना करें, आज उसके शब्द को सुने, अपने मन को बदले ना, जब कटनी का समय आए तुम्हारे जीवन के बुरे फल वहां पर दिखें और जंगली बीज वहां पर दिखने लग जाएं और सब कुछ नष्ट हो जाए। तो दोस्तों आइए हम अपने जीवन के कामों के द्वारा इस बात को स्पष्ट करें कि हम किसके द्वारा बोए गए हैं, क्या शत्रु के द्वारा या फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अगर हम यीशु मसीह के द्वारा बोए गए हैं तो निश्चय हम अच्छी फसल लाएंगे और गेहूं का दाना हमारे जीवन में होगा। आइए हम अच्छी फसल के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी जिंदगी के द्वारा अच्छी फसल हो और मेरे फलों के द्वारा मैं पहचाना जाता हूं कि मैं किसका हूं, क्या शैतान का या परमेश्वर का। इस संदेश के द्वारा आप समझ गए होंगे कि कलीसिया के अंदर ऐसे गंदे काम करने वाले अभी तक क्यों बने हुए हैं, लेकिन याद रखना वो समय नजदीक है जहां पर कभी किसी को कोई अवसर नहीं मिलने वाला है, उस समय केवल कटनी होगी और यहां पर परमेश्वर ने मौका दिया है जब तक उसमें अंकुर निकले हैं, तक फसल पक ना जाए, एक आपके पास मौका है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस मौके को गवा दें, अवसर को बहुमूल्य सोचें, आइए हम उस फसल को अपने जन्म में लाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। तो दोस्तों क्यों ना हम प्रभु के वचनों को सुनकर माने, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा जिन्होंने वचन को सुनकर माना, गहराई से उस वचन को अपने हृदय में लिया, उन्होंने 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाया। तो दोस्तों आइए हम अच्छी फसल लाएं, तो दोस्तों आइए हम इस वचन के अनुसार हम किसी का न्याय ना करें। अगर अभी भी हम पाप में जी रहे हैं तो इस बात को ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा दें और हम सब नष्ट हो, क्योंकि एक दिन न्याय का समय आने वाला है। आइए न्याय के समय से पहले अपने आप को सही कर दें ताकि हम एक अच्छे फसल के साथ वहां पर लहलाते हुए दिखें और परमेश्वर के खत्तों में हम इकट्ठे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ रहें।